मोहसिन नकवी जो ओहदा चाहे उनको मिल जाएगा। मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और फैसल वावडा का ताल्लुक एक ही कबीले से है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्ला की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार थी मगर वो किसी से बात करने को ही तैयार नहीं। उनका सरबराह अपने सिवा किसी को तस्लीम नहीं करता। 8 फरवरी के बाद जो सियासी इस्तेहकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में तो मौजूद हैं लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए भी कोशां हैं। इत्तेहाद हुकूमत की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। हम दो तिहाई अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करने पड़ते। खुशियों भरी मीठी ईद का आज दूसरा रोज, मौज मस्ती के प्लान तैयार। सैर सपाटे और दावतें उड़ाने का भी प्लान। शहरी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का रुख करेंगे, गपशप लड़ाकर मन हल्का करेंगे। कल के मेजबान आज होंगे मेहमान, मजे मजे की डिशेस से होगी मेहमानों के तवाज़ो। बच्चों ने ईद के पहले रोज भी खूब सैर सपाटे की, आज भी मौज मस्ती होगी। कोई चिड़ियाघर तो कोई पार्क्स का रुख करेगा। जो ईदी बच जाएगी उसे उड़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टाउनशिप में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में चमन आफियत और दरुल फलाह का दौरा। ईद का दिन स्पेशल बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। बच्चों को खिलौने दिए और मिठाई तकसीम की। मरीम नवाज ने स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा और गपशप की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मरियम मरीज खातून को चूड़ियाँ भी पहनाई। और कौमी क्रिकेटर्स की ईद पर कौम को मुबारकबाद, खिलाड़ियों ने भी बनाया ईद का दिन खास। कप्तान बाबर आजम ने फैमिली और दोस्तों के साथ ईद मनाई। शादाब खान और शाहीन शाह आफरीदी ने ईद पर फैंस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने मुल्क के लिए अमन और खुशहाली की दुआ की। अजहर अली की फलस्तीन से इजहार यकजहती, बेटियों के साथ तस्वीर भी शेयर। सिपा सलार ने ईद अगले मोर्चों पर गुजारी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों मीरान शाह और स्पिन वॉ में फौजी जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और खिदमत की लगन को सराहते हुए उन्हें ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इस मौके पर ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। कहा अमन और इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों का समर है। स्टेक होल्डर्स खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासिर से खबरदार रहें। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाक फौजिया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन। कहा मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशावराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। पूरी कौम अपने शहदा को खराज अकीदत और इनके अहल खाना को खराज तहसीन पेश करती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रबता। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। दुखी इंसानियत के सर पर दस्त शफकत रखने का अहद करें। मुल्क को सही मानों में इस्लामी रफाई ममलिकत बनाएंगे। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों की याद रखें। फ़लस्तीन में बेपनाह लोगों का खून बह रहा है। जबर को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाएं। हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई ममलिकत बनाएं। ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़िलिस्तीनी भाइयों को याद रखें जो आज भी जुल्म सह रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म का यूएई के सदर अमीर कतर, तुर्क सदर तैयब उर्दवान, ओमान के सुल्तान, सदर अज़रबैजान, बहरीन के बादशाह और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सब रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। इक़्तिसादी रब्ते बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। रहनुमाओं की जानिब से कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत का इआदा। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू में फ़लस्तीनियों पर ज़ुल्म व जबर से मुतालिक तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म की मकबूज़ा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म के खात्मे के लिए दुआओं की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने रहनुमाओं को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। कैटेगर गवर्नमेंट आई अगस्त 2023 में, वो तो एक कैटेगर गवर्नमेंट थी और उनको किसी की जवाबदेह यानी नहीं थी। उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुई। स्ट्रीट क्राइम कराची का ख़ास तौर पर जनवरी के बाद, हम तो मार्च में आए, जनवरी के बाद काफ़ी ख़राब हो गया था। जैसे पहले हमने लॉ एंड ऑर्डर की हालात बेहतर किए थे, इंशाल्लाह ताला अब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार निगरान हुकूमत को करार दे दिया। कहा, निगरान हुकूमत की वजह से कराची का अमन बिगड़ा। इंतखाबात के दौरान कच्चे के हालात ख़राब हुए। सिंध में पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत में हमने कच्चे के हालात भी बेहतर किए। सहवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नवाज़ लीग की हुकूमत के साथ इत्तेहाद में नहीं बल्कि उनकी हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई ने 9 मई का वाकया कराया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई।